हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना के इस संकट की घड़ी में भी बिना किसी डर के सफाई कर्मी शहर को साफ सुथरा रखने में जुटे हैं। ऐसे में ये कर्मी संक्रमण की चपेट में न आए, सभी सफाई कर्मियों का नगर निगम द्वारा हेल्थ चेकअप करवाया जा रहा है। वीरवार को नगर निगम के 20 कर्मियों का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में स्वास्थ्य की जांच करवाई गई। कर्मियों को किसी प्रकार का संक्रमण तो नहीं है, इसकी डॉक्टर द्वारा जांच की जा रही है। निगम हर रोज 20 कर्मियों का अस्पताल में जांच करवाएगा। इसके अलावा सभी कर्मियों का बीमा भी किया गया है और कोरोना संक्रमण के दौरान किसी कर्मी की मृत्यु होती है तो उन्हें 50 लाख का बीमा मिलेगा। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में निगम के कर्मी दिन रात सफाई के काम में जुटे हैं और कर्मियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इन कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच करवाई जा रही है और सभी 1100 कर्मियों की जांच की जाएगी। अस्पताल में ज्यादा भीड़ न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हर रोज 20 कर्मियों को ही रिपन अस्पताल में जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा सभी कर्मियों का बीमा भी किया गया है। उधर नगर निगम की इस पहल से सफाई कर्मी भी काफी खुश है और स्वास्थ्य की जांच के लिए नगर निगम का आभार भी जताया। कर्मियों का कहना है कि वे अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं और लोगों को भी ऐसे में अपने घरों में रहना चाहिए। मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं एनसी शिमला में रोड स्वीप कर रहा हूँ जी। आज हमारा जो विभाग की तरफ से मेडिकल चेकअप हो रहा है, जैसा कि आजकल जैसे कि महामारी से हमारा पूरा देश जूझ रहा है और उसमें कोरोना की वजह से आज हमारे जो विभाग ने हमारे टेस्ट सभी के टेस्ट करवाए हैं, उसके लिए हम अपने विभाग का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सबका टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आपको ज्ञात ही है कि नगर निगम अपने कर्मचारियों को लेकर के बहुत संवेदनशील है, खासकर जो हमारे सफाई कर्मी हैं, क्योंकि ये बहुत अलग सी परिस्थितियों में काम करते हैं। जैसा कि अभी COVID-19 का जो संक्रमण है उसको देखते हुए इनको और भी एहतियात बरतनी पड़ रही है और नगर निगम ने अपने सारे इनके सफाई कर्मचारियों का जो मेडिकल परीक्षण है उसके लिए एक प्लान बनाया है। उसके अंतर्गत आज 20 कर्मियों का जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और धीरे धीरे फेज्ड मैनर में, ताकि वहाँ भीड़ भी नहीं हो और हम 15-20 दिनों में सारे अपने कर्मचारियों का ये मेडिकल परीक्षण कर लेंगे। अपने पीपी किट में इस तरह से कार्य करें, फिर भी अगर ऐसी कोई दुर्घटना कोई होती है तो उसमें संक्रमण की वजह से, जैसा कि प्रदेश गवर्नमेंट ने निश्चित किया है, 50 लाख रुपए का जो इनको बीमा है या धनराशि दी जाएगी अगर ऐसी कोई घटना घटती है। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, आज सर 20 सफाई कर्मचारियों का आपने टेस्ट कर दिया है, लगभग कितने कर्मचारियों का टेस्ट होना है सर? ये हमारे, जैसे आपने देखा होगा, सफाई कर्मी जो हैं, चाहे वो रोड स्वीपिंग वाले हैं या डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर हैं, इनकी संख्या 1100 है। तो इन 1100 ही कर्मचारियों का मेडिकल जो एग्जामिनेशन वो स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से उनके साथ मिलकर करवाया जाए।